हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 27th ऑफ अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड मायम बायोडाइवर्सिटी एटलस, जो कि भारत का पहला विलेज एटलस है। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मायम बायोडाइवर्सिटी एटलस जारी किया है, जो कि भारत का पहला ग्राम एटलस है। आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, गोवा, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये करने वाला राज्य है गोवा, और मायम गोवा का ही एक गांव है। सो प्रमोद सावंत, द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, रिलीज्ड द मायम बायोडाइवर्सिटी एटलस, जो कि भारत का पहला विलेज एटलस है। एंड द बायोडाइवर्सिटी एटलस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ 250 पेजेस विच ऑफर्स डिटेल ऑफ द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन द विलेज ऑफ मायम। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि ये भारत का पहला विलेज एटलस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द कंपनी दैट हैज़ रिसेंटली बिकेम द ग्लोबल पार्टनर फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। आपसे पूछा जा रहा है, उस कंपनी का नाम बताइए जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक भागीदार बनी है। आपके ऑप्शंस हैं रिलायंस, ओप्पो, मास्टर कार्ड या फिर भारत पे। और मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो कंपनी भागीदार बनी है वो है ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड पार्टनर बनी है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, सो द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज साइंड अ ग्लोबल पार्टनरशिप विद द मास्टर कार्ड, जो कि एक ग्लोबल पेमेंट प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन है, फॉर द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम 5th October 2023 टू 19th November 2023। तो इस बार मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में ही होना है और इसका ग्लोबल पार्टनर है मास्टर कार्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी हैज़ बैग्ड द बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड ऑफ 2022। आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किस शहर को 2022 का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है। आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, कानपुर या वाराणसी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये अवार्ड दिया गया है इंदौर शहर को। आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि इंदौर को बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। सो इंदौर द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द पास्ट 6 ईयर्स हैज़ वन द बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड ऑफ 2022 फॉर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अमंग द 100 स्मार्ट सिटीज़। और ये स्मार्ट सिटी अवार्ड का 4th एडिशन है, जिसमें कि सूरत और आगरा इमर्ज हुए हैं एज अ सेकेंड एंड थर्ड विनर। तो पहले स्थान पे इंदौर है, सेकेंड प्लेस पर सूरत और थर्ड प्लेस पर आगरा है। इसके साथ ही स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु गॉट फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस रिस्पेक्टिवली, वाइल राजस्थान एंड यूपी हैव जॉइंटली बैग्ड द थर्ड पोजीशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर प्रोवाइडेड बाय द सेंटर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली जो हिस्सेदारी है वो कितने प्रतिशत की है। आपके ऑप्शन हैं 100%, 75%, 50% या 25%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सेंटर के द्वारा 100% इसको शेयर प्रोवाइड किया जाता है। सो द नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन लॉन्च्ड इन 2017, अंडर विच 100% सेंट्रली फंडिंग इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक सेंट्रली फंडेड स्कीम है
एंड रिसेंटली द कंटिन्यूएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर द पीरियड फ्रॉम 2022-23 to 2025-26 एट एन आउटले ऑफ रुपीज 8,139.50 करोड़। तो इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, इसीलिए काफ़ी चर्चा में है, आप इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली सॉट सिक्योर्ड सप्लाई ऑफ 7 एसेंशियल आइटम्स फ्रॉम इंडिया, आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? आपके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या नेपाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसा करने वाला देश है बांग्लादेश। सो बांग्लादेश हैज सॉट अ सिक्योर्ड सप्लाई फ्रॉम इंडिया फॉर 7 एसेंशियल आइटम्स, जिनमें शामिल हैं वीट, राइस, लेंटिल्स, सुगर, अनियन, गार्लिक और जिंजर। इन द लेटेस्ट अटेम्प्ट इन दिस रिगार्ड बांग्लादेश कॉमर्स मिनिस्टर टीपू मुंसी अग्र His Indian counterpart Piyush Goyal for the secured supply prayer to the scheduled Commerce and Investment Minister meeting of the G20, जिसका आयोजन किया गया था जयपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। As per the United Nations Children's Fund, which of the following country is one of the most weapon contaminated country? आपसे पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है? आपके ऑप्शन हैं चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर सीरिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे प्रदूषित जो शहर है वो है अफगानिस्तान। आप लोग मैप में देख सकते हैं अफगानिस्तान और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत का भी जो पीओके वाला भाग है वो लगता है। सो द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इन अफगानिस्तान सेड 85% ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लोजन्स एंड अनएक्सप्लोटेड माइंस इन अफगानिस्तान आर चिल्ड्रेन, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट वेपन कॉन्टेमिनेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके साथ ही अर्लियर द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड ने कहा है दैट ओवर 700 चिल्ड्रेन इन अफगानिस्तान वर किल्ड और इंजर्ड लास्ट ईयर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ लैंड माइन्स, एक्सप्लोजिव्स एंड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्कीम हैज वन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 फॉर एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, आपसे पूछा जा रहा है किस योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और जो अवार्ड दिया गया है ई गवर्नेंस का वो मिला है ऑप्शन सी, स्वामित्व योजना को। आप लोग देख सकते हैं जो ई गवर्नेंस होता है उसके गोल्स क्या होते हैं। उसके गोल्स की बात करें तो उनमें शामिल है बेटर सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन्स, इम्प्रूव्ड इफिशियंसी विद इन गवर्नमेंट, इम्प्रूव इंटरफेस विद बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इम्पावरिंग पीपल थ्रू इंफॉर्मेशन एंड अशरिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके साथ ही स्वामित्व योजना की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व स्कीम यह है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, जो कि जीती है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 फॉर एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विस। स्वामित्व योजना की बात करें तो ये एक सर्वे प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 अप्रैल 2020 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड मोर रेजिलियंट रूरल इंडिया।
स्वामित्व योजना के उद्देश्यों की बात करें तो इनमें ये शामिल है कि जो ग्रामीण भारत है उसके लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान निकाला जाएगा, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिक होते हैं उनको अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा, साथ ही संपत्ति कार्ड जारी की जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीमांकन किया जाएगा वो ड्रोन तकनीकी से किया जाएगा। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही, धन्यवाद।